क्या रखते बाबू, आपने फिल्म वालों को मना कर दिया। बिटिया के लिए मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी चांस नहीं मिला। आपसे क्या करवाएंगे वो? राक्षस का रोल है क्या? माइथोलॉजिकल फेस है इनका। कहाँ जाओगे तुम? कहाँ भागोगे? भागकर कितनी दूर जाओगे? आप जरा इधर देखें, पूरा मुंह खोली जरा, पहले से काफी बड़ा लग रहा है। इट्स रेयर बट चलता है, ऐसा होता है। मैं ये सब नहीं जानता डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे दांतों को ठीक कर दीजिए। पहले भी तो आप इसे उखड़वाना चाहते थे, आए थे ना दो बार, फिर अचानक से गायब, लापता हो गए। इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा? बचपन में मेरे सारे दांत गिर गए, बस ये दो बच गए। माँ ने कहा दूध के दांत हैं इसलिए निकलवाना मत, खुद गिरेंगे। पर अब मैं तंग आ गया हूँ, इन्हें निकाल दीजिए। अरे सब कुछ इतना आसान थोड़ी होता है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सरे करना पड़ता है, दांत की पोजीशन देखनी होती है ना? और एक बात बताऊं, हमारे समाज में ना हर कोई अलग दिखने से डरता है। सब एक जैसा दिखना चाहते हैं, एक ही ग्रुप में। हम एक ही तरह का खाना खाना चाहते हैं, एक ही तरह के ख्याल रखना चाहते हैं, हम एक ही जैसी पोशाक पहनना चाहते हैं। मतलब ये है कि हम सब एक ही तरह दिखना चाहते हैं। इसे कहते हैं छोटी सोच। इनमें से कोई भी थोड़ा सा अलग हो जाए तो बस लोग डरने लग जाते हैं। सब यही चाहते हैं कि वो हमारे ग्रुप में आ जाए। उस काम में मैं आपकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। मतलब आपके दोनों दांत मैं उखाड़ दूंगा, लेकिन सोच कर देखना, अगर ये दोनों दांत आपके विचित्र हैं तो कोई तो वजह होगी। मतलब ये दांत आपको लोगों से अलग करना चाहते हैं, जरूर आपके अंदर कोई ना कोई संभावना तो है। एक बार सोच कर देखिएगा। कल रात आपका फोटो भेजा था। मैं त्रिशा, एडिटर शुभंकर दा। आप मेरे साथ आइए प्लीज। आइए।